नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में। कार्ल मार्क्स के विभिन्न सिद्धांतों में से सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है उसका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। कार्ल मार्क्स ने आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित कुछ मुख्य सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, उसके विश्लेषण से संबंधित, तो उसमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है? आपके अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। तो उसमें पहले हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है, उसके क्या नियम बताए हैं कार्ल मार्क्स ने, उसका क्या अर्थ बताया है, उसके द्वंद्वात्मक पद्धति का आधार क्या है, और फिर उसकी आलोचना, उसमें क्या कमियां हैं, तो उसको हम पढ़ेंगे। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो शब्द है वो द्वंद्व और भौतिक दो शब्दों से मिलकर बना है। द्वंद्व का मतलब होता है वाद विवाद या विकास की प्रक्रिया से होता है। तो कार्ल मार्क्स की विभिन्न सिद्धांतों का जो महत्वपूर्ण आधार है वह है द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के माध्यम से भौतिक पदार्थों का महत्व और उनके विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट करना और उसको बताना। तो एक भौतिकवादी विधि का प्रयोग किया कार्ल मार्क्स ने, जिसका मुख्य आधार भौतिक पदार्थ था। तो ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने हीगल से लिया था। तो उसने हीगल से केवल द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो मुख्य आधार है वो द्वंद्व है, और द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के माध्यम से कार्ल मार्क्स ने इतिहास के विकास का अध्ययन प्रस्तुत किया है। तो कार्ल मार्क्स ने हीगल से केवल द्वंद्वात्मक पद्धति को ग्रहण किया। तो हम थोड़ा सा पहले समझेंगे कि हीगल के लिए द्वंद्वात्मक पद्धति क्या थी, हीगल ने क्या बताई द्वंद्वात्मक पद्धति के नियम या विशेषताएं। तो हीगल के अनुसार यह विश्व निरंतर प्रवाह की स्थिति में होता है, यानी कि इस विश्व का निरंतर विकास होता है जो द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से होता है, जिसमें वाद, प्रतिवाद और संवाद तीन स्तर होते हैं, जिससे कि इस विश्व जगत में निरंतर गतिशीलता रहती है और उसका विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो विकास की जो प्रक्रिया है, यानी विपरिणाम होता है, यानी वाद के अंतर्गत कुछ प्रतिरोध विरोधाभास होते हैं, जिससे कि प्रतिवाद का जन्म होता है, फिर इस प्रतिवाद का भी विरोध होता है या उसका भी प्रतिवाद होता है, तो संवाद की स्थिति का जन्म होता है। तो इस विकास के प्रक्रिया को तार्किक नियमों के आधार पर हीगल ने समझाया है। तो हीगल के अनुसार जो भी इस विश्व में जो परिवर्तन होता है वो इसी तार्किक प्रक्रिया के आधार पर, यानी कि वाद, प्रतिवाद और संवाद के द्वारा जो परिवर्तन जन्म लेता है। जैसे कि हम देखते हैं कि इस परिवर्तन प्रक्रिया या विकास की प्रक्रिया का आरंभ वाद से होता है, जिसमें स्वयं विरोधाभास को वो जन्म देता है और वो विरोधाभास प्रतिवाद कहलाते हैं। फिर जब प्रतिवाद जो उत्पन्न होता है तो उसमें भी उसकी विरोधाभास या विरोध या प्रतिवाद उत्पन्न होते हैं और यह संवाद में बदल जाता है। तो ये परिवर्तन की प्रक्रिया जो है, इसमें वाद का विपरिणाम होता है और बाद में विपरिणाम का भी विपरिणाम होता है, ताकि विकास के उच्च स्तर को प्राप्त किया जा सके। तो इस प्रकार हीगल ने विकास की प्रक्रिया को वाद, प्रतिवाद और संवाद के एक प्रक्रिया के माध्यम से, एक कड़ी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। उसी आधार पर मार्क्स और एंजल्स ने कहा है कि विपरिणाम का जो विपरिणाम होता है उसके विभिन्न उदाहरण होते हैं, जैसे जौ के दाने का उदाहरण है, तितली का उदाहरण है, चट्टानों का उदाहरण है, जौ का दाना, जिसमें वाद होता है कि जौ के दाने को भूमि में बोया जाता है, उसकी गर्मी और नमी से उसमें परिवर्तन होता है, फिर वो परिवर्तन वाद है, फिर वो गलकर नष्ट होकर अंकुरित भी हो जाता है, फिर वो दाने के रूप में नहीं रहता, तो वो उसका विपरिणाम होता है, यानी उसका प्रतिवाद होता है, फिर बाद में वो पौधा बन जाता है और पौधा बनता है, बड़ा होता है, फिर उसमें फूल आते हैं, फिर उसमें जौ के दाने आते हैं जो बहुत सारी मात्रा में होते हैं, जिस प्रकार विपरिणाम का विपरिणाम होता है। तो इस प्रकार हम देखें कि वो जो संवाद के रूप में जो स्थिति होती है जौ के पौधे के विकास की, वो अपने आप में बहुत ही गुणात्मक होती है और विकास ऊपर की ओर होता है। तो इस प्रकार वो जो जौ के बहुत सारे जो दाने होते हैं वो उसके विकास को प्रकट करता है। फिर द्वंद्वात्मक पद्धति का एक नियम यह भी है कि जो जो विकास की गति है वो विरोधों के संघर्ष पर निर्भर करती है,
कि उसमें विरोध किस प्रकार के हैं। तो द्वंद्ववाद का नियम यह है कि जो विकास और गतिशीलता होती है उसका मुख्य कारण यह होता है कि विभिन्न तत्वों में जो है वो विरोधी विकास और गतिशीलता में जो विभिन्न विरोधी तत्व होते हैं उसमें आपस में संघर्ष के द्वारा जो है वो विकास की प्रक्रिया होती है। फॉर एग्जांपल हम देखें कि चुंबक होता है, उसमें उत्तरी और दक्षिण दो सिरे होते हैं और वो एक दूसरे के अपोजिट विरोधी होते हुए भी एक दूसरे से पृथक वो नहीं हो सकते, तो वह भी उसके लिए ज़रूरी है कि वो चुंबक जो है काम कर सके। तो इस प्रकार फिर परिवर्तन जो होते हैं विकास प्रक्रिया में वो मात्रात्मक से गुणात्मक होते हैं। तो द्वंद्ववाद का एक और नियम बताया ईगल ने कि परिवर्तन हमेशा मात्रात्मकता से गुणात्मकता की ओर ही होता है, यानी कि विपरिणाम की जो प्रक्रिया है वह एक प्रकार से केवल संख्या मात्रा में ही नहीं होती बल्कि उसमें गुणात्मक परिवर्तन भी आता है, यानी कि दानों की क्वालिटी कैसी है, किस किस क्वालिटी के किस स्तर के वह जौ के दाने हैं तो उस पर निर्भर करता है। जैसे हम पानी को देखें तो पानी में भी एकदम और ये परिवर्तन जो अचानक होते हैं, जैसे हमने पानी को थोड़ा सा गर्म किया तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन जैसे उसको हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया तो उसमें अचानक परिवर्तन हो गया, गुणात्मक परिवर्तन हो गया और वो भाप बन गया। फिर हम जैसे ही पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हमने ठंडा किया तो उसमें वह गुणात्मक परिवर्तन आ गया कि वो पानी जो है वह क्या बन गया, बर्फ बन गया। तो इस प्रकार द्वंद्वात्मक पद्धति से विकास की सारी प्रक्रिया को तार्किक नियमों के आधार पे समझाने का प्रयास किया गया है, जिसमें कुछ मुख्य नियम जो विश्व के विकास पर हीगल ने बताए हैं कि इस विश्व का जो याद जगत है, ये जो विश्व है वो निरंतर गतिशील और प्रवाह की स्थिति में होता है, यानी कि निरंतर विकास की अवस्था में है और परिवर्तन हमेशा ऊपर की ओर उन्नति के मार्ग की ओर होते हैं, न कि पतन की ओर होते हैं। पुराने तत्वों का अंत होकर नए तत्वों का जन्म होना स्वाभाविक होता है और ये परिवर्तन जो है सृष्टि में या विश्व में जो परिवर्तन होते हैं वह अचानक होते हैं, न कि धीरे धीरे। फिर विभिन्न संस्थाएं जो होती है, धर्म, दर्शन, कला, राजनीति, इतिहास, साहित्य, वो सब एक दूसरे से संबंधित होती है और वो परिवर्तन का कारण बनती है और विकास और गतिशीलता जो इस विश्व में है मौजूद वो विरोधी तत्वों के अंतर्निहित संघर्ष का परिणाम होती है और वह परिवर्तन जो है वो मात्रात्मकता से गुणात्मकता की ओर होते हैं। तो यह हमने हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति पढ़ी। अब मार्क्स ने उसी के आधार पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की पद्धति को अपनाया। तो मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या कहता है, उसने उसी द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को विकास की स्तर पर या विकास पर लागू किया, लेकिन यहाँ पर कॉल मार्क्स का जो तरीका है वो बहुत अलग है क्योंकि उसने पदार्थ की प्रधानता दी है उस विकास की प्रक्रिया में हीगल। तो यहाँ पर मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में उसने पदार्थ को प्रधानता दी। तो हीगल और मार्क्स में द्वंद्वात्मक पद्धति की समानता होते हुए भी उनमें बहुत अंतर था, क्योंकि खुद मार्क्स ने कहा है कि हीगल की रचनाओं में द्वंद सिर के बल खड़ा है, लेकिन मेरे लिए जो द्वंद है वो सीधा पैरों के बल खड़ा है। यानी कि कॉल मार्क्स ने जो हीगल ने इतिहास के दर्शन में जो एक तत्व बताया विचारों की प्रधानता या आत्मा की प्रधानता का, उससे उसने अस्वीकार कर दिया और मार्क्स ने कहा कि इतिहास में विचारों की प्रधानता न होकर बल्कि पदार्थ की, भौतिक पदार्थों की प्रधानता है। और इस प्रकार उसने हीगल के दार्शनिक आदर्शवाद को काल्पनिक कहकर पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया। तो कॉल मार्क्स कहता है कि तार्किक या श्रेष्ठ विचार जो है वो एक रहस्यवादी विचार है जिसको हम न देख सकते हैं, न हम उसका स्पर्श कर सकते हैं, न हम उसको जाँच सकते हैं कि हमारे मस्तिष्क पर या मानव पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो कॉल मार्क्स कहता है जब हम किसी विचार को या आत्मा जैसी चीज़ को हम न देख सकते हैं, न अनुभव कर सकते हैं, न स्पर्श कर सकते हैं, तो वो एक काल्पनिक विचार है न कि वैज्ञानिक। तो इस प्रकार कॉल मार्क्स ने भौतिक पदार्थ पर बल देकर एक प्रकार से द्वंद्वात्मक पद्धति में वैज्ञानिक प्रक्रिया को अपनाया। कॉल मार्क्स का कहना था कि जो भौतिक पदार्थ होते हैं वही वास्तविक है, वही सच है, जैसे मिट्टी, पत्थर, पहाड़, चट्टाने इस तरह से, तो क्योंकि उसके लिए सब अदृश्य नहीं है, यह सब कोई विचार या आत्मा नहीं है। तो इस प्रकार कॉल मार्क्स ने हीगल के जो विश्वात्मा का जो विचार था उसको ठुकराया और कहा कि वह अगम्य है, वह दृश्य नहीं है। इसलिए कॉल मार्क्स ने कहा
कि भौतिक पदार्थ जो देखे जा सकते हैं, जिस पर प्रयोग किया जा सकता है, जिसको समझा जा सकता है, तो इस प्रकार उसने भौतिक पदार्थों के आधार पर समाजवाद का जो एक विश्लेषण प्रस्तुत किया, उसमें उसने उसको एक प्रकार से मानवता का विज्ञान बना दिया। तो इस प्रकार हेगल के लिए इतिहास की जो उसने विकास का जो वर्णन किया है, वह एक प्रकार से विवेक, स्वतंत्रता, ईश्वर और विश्वात्मा की सिद्धि है या उस पर आधारित है। लेकिन कार्ल मार्क्स के लिए अंतिम सच या वास्तविकता भौतिक पदार्थ है। कार्ल मार्क्स कहता है कि विश्व वह शक्ति है जिसका निर्माण क्रमिक रूप से होता है, उन्नति और पतन के द्वारा हुआ है, न कि किसी ईश्वर या विश्वात्मा के द्वारा हुआ। जैसा हेगल कहता है कि यह जो पृथ्वी है वह ईश्वर की उत्पत्ति है, लेकिन कार्ल मार्क्स उसके इन विचारों का विरोध करता है। वह कहता है कि विश्व में विचारों की प्रधानता नहीं है बल्कि भौतिक पदार्थों की प्रधानता है, क्योंकि पदार्थ मस्तिष्क की उपज नहीं होते हैं बल्कि मस्तिष्क, जो मानव मस्तिष्क है, वह स्वयं पदार्थ की उपज होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हेगल के अनुसार इतिहास में जो भी आंदोलन हुए या जो भी क्रांतियां हुई है वो विचारों के आधार पर हुई है, जिसमें विचारों का महत्वपूर्ण स्थान था। लेकिन कार्ल मार्क्स के लिए जो भी इतिहास में आंदोलन या क्रांतियां हुई, जो परिवर्तन हुए, जो विकास हुए, वो भौतिक क्षेत्र या भौतिक पदार्थों के आधार पर हुए हैं। जैसे हेगल के लिए हम देखें कि विश्व में जो भी महान धर्मों का जो इतिहास में जो उदय हुआ, तो मार्क्स के लिए वह आंदोलनों का या क्रांतियों का कारण नहीं थे ये धर्म, बल्कि उसका परिणाम थे। तो इसलिए कार्ल मार्क्स कहता है कि विश्व में जो भी क्रांतियां या आंदोलन होते हैं वो विचारों से नहीं बल्कि आर्थिक वातावरण से, भौतिक पदार्थों से होते हैं। तो इस प्रकार कार्ल मार्क्स के विचारों में प्रथम स्थान पदार्थ का है, न कि विचारों का या मस्तिष्क का। वह कहता है कि मानव मस्तिष्क में विचार होते हैं, होते हैं, लेकिन वह केवल भौतिक वातावरण से के द्वारा ही निर्धारित होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कार्ल मार्क्स कहता है कि विश्व में जो परिवर्तन होता है वह पदार्थ की गति के अनुसार होता है। पदार्थ से विचारों को अलग करना संभव नहीं है, क्योंकि इस विश्व में पदार्थ ही परिवर्तन का आधार होता है या कारण होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अंतर्गत पदार्थ गतिशील होता है, और यही पदार्थ जो है वो विश्व में विकास का या कारण बनता है। तो इस प्रकार हम देखें कि हेगल के लिए दैवीय इच्छा, आत्मा महत्वपूर्ण है, लेकिन कार्ल मार्क्स के लिए अधिक पदार्थ जो है वो महत्वपूर्ण है, और मानव समाज का विकास भी उस भौतिक पदार्थ के द्वारा ही होता है। इस प्रकार कार्ल मार्क्स का जो मानव है वो मानव समाज है वो वर्गहीन समाज होता है, जिसमें ना कोई वर्ग होगा ना किसी प्रकार का शोषण होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की जो पद्धति है, जो कार्ल मार्क्स ने जो हेगल से अपनाई थी, उसमें वो यही कहता है कि इतिहास की प्रत्येक अवस्था में विभिन्न अंतर्विरोध होते हैं, विरोधी तत्व होते हैं। यानी कि जो उसने वर्ग संघर्ष बताया है या जो इतिहास की व्याख्या की कि हर इतिहास की हर अवस्था में दो विभिन्न विरोधी वर्ग होते हैं, और उन दोनों वर्गों में संघर्ष जो होता है उससे समाज की स्थिति उत्पन्न होती है। संवाद मतलब एक वर्गहीन समाज की स्थिति उत्पन्न होती है, और यह परिवर्तन जो समाज में होता है वो क्रमिक रूप से होता है, और इस प्रकार परिवर्तन जो है वो अचानक भी आता है। ऐसा कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर अपनाया है, कहा है कि समाज में जो भी क्रांतियां अचानक जो हुई है वो समाज में जो भी परिवर्तन हुए अचानक हुए हैं, जिसको हम क्रांति कहते हैं, जैसे फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति। तो इस प्रकार हेगल की तरह मार्क्स ने एक द्वंद्वात्मक प्रक्रिया का अनुसरण किया विकास को समझाने के लिए, इतिहास के विकास को। लेकिन जहाँ हेगल के लिए आत्मा सब कुछ है, वहीं मार्क्स के लिए पदार्थ सर्वव्यापी है। दोनों को विकास की आवश्यकता पड़ती है, दोनों आंतरिक द्वंद्वात्मक प्रणाली से विकास को महत्वपूर्ण मानते हैं। हेगल का जो उद्देश्य है वो विचार है, विश्वात्मा है, लेकिन मार्क्स का अनिवार्य उद्देश्य एक वर्गहीन समाज है जो कि उत्पादन के लिए पूर्ण रूप से संगठित होता है, और अपने आप में यह वर्गहीन समाज पूर्ण है। कहने का तात्पर्य है कि समस्त प्रक्रिया का जो उद्देश्य है मार्क्स के लिए, वह एक वर्गहीन समाज की स्थापना करना है। तो इस प्रकार कार्ल मार्क्स ने जो विकास बताया है
इतिहास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पे उसमें उसने हीगल की द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को महत्वपूर्ण मानते हुए उसको अपना आधार बनाया।